एम कॉइन जो है मिथर वर्ल्ड का अपना एक कॉइन है। मिथर वर्ल्ड ये यूरोप की एक कंपनी है, यूरोप के अंदर एक देश है इस्टोनिया, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। इस्टोनिया में इसके जो मालिक हैं एमडी मोहम्मद करासू, जो बिटकॉइन की ट्रेडिंग करते आ रहे हैं, 10 साल का आपको एक्सपीरियंस है क्रिप्टो करेंसीज का। तो आप क्या करते हैं, बिटकॉइन को बेचना खरीदना बेचना खरीदना ये करते आ रहे हैं। आज इनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया कि ये एक बिटकॉइन को सिस्टम में डालते हैं, 24 घंटे बाद 3 बिटकॉइन भी बना सकते हैं उसका, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस इनके पास है। जब ये दूसरे के कॉइन पर ट्रेड कर रहे थे तो इन्हें ख्याल आया क्यों ना अपना कॉइन बना लिया जाए। तो इन्होंने अपनी कॉइन की शुरुआत करी नवंबर 2020 में, एक एम कॉइन बनाया, जिसकी शुरुआत एक कॉइन की 4 सेंट से शुरुआत करी गई, यानी कि इंडियन रुपीज़ में हम बात करें तो 2.5 रुपये से इसकी शुरुआत जो है नवंबर 2020 से एम कॉइन की शुरुआत करी गई। आज अगर हम बात करें अक्टूबर चल रहा है 2022, इसी एम कॉइन की जो कीमत है आज 90 सेंट यानी कि 81 रुपये का एक कॉइन। जो एक्सपर्ट्स हैं क्रिप्टो के, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना यह है कि 2 साल में इसका प्राइस $100 को टच कर लेगा, $100 के आसपास जो है ये टच करेगा। $100 की बात करें तो यानी कि 9000 रुपये के आसपास एक कॉइन की कीमत, जो आज 81 रुपये का है। ये हमारी पहुंच के अंदर है, ये हमारी पकड़ के अंदर है, हम इस कॉइन को खरीद सकते हैं। क्यों पहुंचेगा ये $100 का, ये $100 का क्यों पहुंच पाएगा, क्योंकि इसके पास एक तो लॉजिक ये लगता है डिमांड एंड सप्लाई। इसकी डिमांड दुनिया में आज बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, सप्लाई लिमिटेड है। सप्लाई 50 करोड़ कॉइन्स की है, 50 करोड़ की। और इसका ये ऐसा कोई नहीं लोता कि यूज़ केस, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। ये दुनिया का पहला ऐसा कॉइन है कि जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है। आज अगर हम चाहते हैं तो इससे बिजली का बिल जमा कर सकते हैं, न केवल अपने देश का बल्कि 112 कंट्री का बिजली का बिल जो है हम इसके माध्यम से जमा कर सकते हैं, क्योंकि है? इंडिया का भी, हाँ अपनी इंडिया का भी। एम कॉइन के जरिए वोडाफोन का रिचार्ज कर सकते हैं, गैस का बिल जमा कर सकते हैं, चाय की पत्ती मंगाना चाहते हैं। तो एक बहुत बड़ा ब्रांड है 1942 टकोई के नाम से, एक चाय है टकोई, ये प्रीमियम क्वालिटी की चाय प्रोवाइड कराते हैं। ये टकोई जो है 1942 की एक कंपनी है जो चल रही है। इस चाय की पत्ती ने हमसे टाई अप किया है मिथर वर्ल्ड से कि आप अपने एम कॉइन के माध्यम से हमारी चाय की पत्ती को खरीद सकते हैं। तो आज अगर हम एम कॉइन देना चाहते हैं तो हम इसके अकॉर्डिंग इसके थ्रू चाय की पत्ती क्या रेट से, 1000 रुपये किलो। ये दुनिया का पहला ऐसा कॉइन है कि जिससे आप जो है चाय की पत्ती मंगा सकते हैं, और अपने कोई भी गिफ्ट आइटम लेना चाहते हैं खाने पीने का आइटम तो वो मंगा सकते हैं। बिग बाइट के नाम से हमारा स्टोर खुला हुआ लुधियाना के अंदर, जहाँ पर जाकर हम एम कॉइन को देंगे और वहाँ से हमें कोई से भी सामान मिल जाएगा अगर हमारे पास एम कॉइन है तो, ठीक है। इसके अलावा हम ज्वेलरी लेना चाहते हैं, जो वाइट गोल्ड वाली ज्वेलरी होती है हीरे की, जैसे तनिष्क की आती है, उसी तरह से लेकोपोडोनिया के नाम से एक ब्रांड है बहुत बड़ा, उसकी हम ज्वेलरी जो है बैठे बैठे मंगा सकते हैं। तो ये सब कुछ इसका इस्तेमाल बढ़ाने के लिए करा जा रहा है। दूसरी बात ये, कंपनी ने एक अपनी एक डिवाइस बनाई है, टाई अप किया है, जिसको एक हम सिंगल बोर्ड कंप्यूटर बोलते हैं। अभी तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट सबके घरों में चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब हम अपने देश का चैनल देख सकते हैं, अपने देश के जितने भी चैनल हैं वो तो देख सकते हैं, अपनी कंट्री के अलावा भी अगर हम चाहते हैं किसी और देश का चैनल देखना वो भी हम देख सकते हैं। उसके बाद में 1 साल के बाद में जब रिचार्ज कराया जाएगा तो वो रिचार्ज भी एम कॉइन से हुआ करेगा, वो रिचार्ज ही केवल एम कॉइन से हुआ करेगा। जो हमारा एक मैजिक बॉक्स है जिसको बारे में मैंने आपको बताया था, मैजिक बॉक्स एक डिवाइस है कि आपके घर के अंदर डिश का काम करती है। अगर आपके घर में नॉर्मल टेलीविज़न भी है तो उस नॉर्मल टेलीविज़न को स्मार्ट टेलीविज़न में बदल देता है ये जो है आपका, वो आपको 1 साल तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल दिखा रहा है, कोई चार्जेस नहीं जा रहा आपका। लेकिन 1 साल के बाद में जब आप उसको रिचार्ज कराएंगे तो वो केवल और केवल एम कॉइन के माध्यम से ही होगा। अगर किसी और के पास भी है जिसको एम कॉइन की नॉलेज नहीं है तो वो रुपए में रिचार्ज नहीं करा पाएगा, सिर्फ एम कॉइन से ही करा पाएगा। उसको रुपए का पहले एम कॉइन खरीदने पड़ेंगे, फिर एम कॉइन देकर रिचार्ज कराएगा। मैजिक बॉक्स का जो ये प्राइस है वो $200 का मैजिक बॉक्स की एक डिवाइस है,
वो एक डिवाइस ऐसी डिवाइस है, सिंगल बोर्ड कंप्यूटर का काम करती है। अगर आप उसमें कीबोर्ड माउस को टच कर लें तो आप कंप्यूटर का इस्तेमाल जो होता है वो कर सकते हैं एलसीडी जोड़ने के बाद में। उसमें सिम लग जाता है, सिम लगाकर इंटरनेट चलेगा उसके अंदर, इंटरनेट का भी काम करेगा, कैमरे को कंट्रोल भी करेगा। कैमरे के लिए एक उसकी ज़रूरत पड़ती है, राउटर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसका भी काम करता है। तीसरा इसका काम जो है, मेन काम जो है वो नॉर्मल टेलीविज़न का, नॉर्मल एलसीडी हमारी, उसमें यूट्यूब तो चलेगा नहीं, उसमें केबल डिश चलाई जा सकती है जो भी हम चलाते हैं एयरटेल वगैरह की। लेकिन ये जो मैजिक बॉक्स है ये आपके टेलीविज़न को स्मार्ट टीवी में बदल देगा। अब उसके अंदर हम यूट्यूब, व्हाट्सअप सब चला सकते हैं अपनी एलसीडी के अंदर। साथ ही साथ 5000 से ज़्यादा मूवी हैं, कोई भी लेटेस्ट मूवी आती है, पिक्चर आती है तो वो पहले उस पर आ जाती है जो अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर है। हम अपने देश का चैनल देखना चाहते हैं देख सकते हैं, अपने देश के अलावा किसी और देश का चैनल देखना चाहते हैं हम वो भी देख सकते हैं, तो उसका कोई भी चार्जेस नहीं जा रहा। उसकी प्लानिंग ये करी गई है कि जब उसका रिचार्ज हुआ करेगा तो केवल एमकॉइन से हुआ करेगा, जिससे एमकॉइन का इस्तेमाल और बढ़ जाएगा। तो वो आईपीटीवी कहलाता है, इंडिया का पहला आईपीटीवी है। अब एयरटेल बनाने की प्लानिंग कर रहा है आईपीटीवी को, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न कहलाता है वो। तो आईपीटीवी की अब शुरुआत हुई है। $200 के अंदर कॉइन भी मिलते हैं, $100 की कीमत के कॉइन मिलते हैं और बाकी वो डिवाइस आ जाती है। अगर मैं बात करूँ तो हर किसी इंसान ने जिसने भी ये डिवाइस लिए, 6-6 महीने बाद वो डिवाइस फ्री पड़ गई उसको, क्योंकि कॉइन की कीमत इतनी हो गई। मैं बात करूँ, मेरे पास जो कॉइन्स हैं मैंने वो $200 में ली थी, लगभग 17-18 हज़ार रुपये की ली थी। आज अगर मैं कॉइन खोल के दिखाऊँगा तो 25,000 रुपये के कॉइन्स होंगे, यानी कि वो डिवाइस तो फ्री हो ही गई, साथ ही साथ 25,000 रुपये का भी वो अपने कॉइन्स अपने इस टाइम पर होंगे। और अभी एक साल और बचा हुआ है, तो एक साल तक तो काफ़ी सारे कॉइन्स हमारे पास आएंगे। तो हर 6 महीने में डिवाइस आपकी फ्री हो जाती है, चाहे आपका मैजिक बॉक्स हो कुछ भी हो। तो इनका इसका मेन मकसद है अपने प्राइस को बढ़ाना। तो एम कॉइन जो है इसका यूज़ केस लगातार बढ़ रहा है, तो इसलिए 2 साल में $100 का आसपास हो सकता है इस कॉइन का प्राइस। अगर आज हम इसको ख़रीदना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होंगे। कौन कौन से 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास? एक ऑप्शन तो ये है कि हम एक्सचेंजर पे जाएं और 100 रुपये का परचेज करें, हमें 99 रुपये का कॉइन्स आ जाएगा हमारे पास। हम एक्सचेंजर पे जाएं, मिनिमम 100 रुपये का भी हम खरीद सकते हैं एम कॉइन को। हम एक्सचेंजर पे जाएंगे, हम 100 रुपये लगाएंगे, 99 रुपये का एम कॉइन हमें मिल जाएगा। 1 रुपया कहाँ गया? 1 रुपया ले लेता है एक्सचेंजर अपना, अपनी फीस ले लेता है एक्सचेंजर। यहाँ पर हमें क्या मिला? यहाँ पर हमें कॉइन मिल गए 100 रुपये में, 99 रुपये के। हमें जैसे ही लगेगा कि हमारे 99 रुपये के कॉइन 200 रुपये के हो गए, हमें तुरंत हमारे दिमाग में घंटी बजेगी और हम बटन दबाएंगे बेच देंगे, क्योंकि वो पूरे के पूरे हमारे पास में है, हमारे पास स्टेकिंग नहीं है कोई भी किसी तरह की। तो दुनिया में क्रिप्टो के अंदर वो लोग पैसे ही नहीं कमा पाए जिन्होंने अपने साथ ट्रेडिंग करी, बिटकॉइन के साथ में ट्रेडिंग करी या क्रिप्टो के साथ में ट्रेडिंग करी। पैसा कौन कमा पाया? जिसने लिया और छोड़ दिया, वॉलेट में डाके छोड़ दिया, स्टेक कर दिया। एक तो तरीका हमारे पास ये है कि हम एक्सचेंजर पर जाके भी खरीद सकते हैं। दूसरा, अगर हम कंपनी से परचेज करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा है? हमें मिलेगी स्टेकिंग। स्टेकिंग के अंदर ही लोगों ने पैसा कमाया। किसी ने अगर 100 रुपये का लिया और छोड़ दिया था तो आज उसके 500 करोड़ रुपये भी बन चुका। अगर किसी ने लेकर डाला था तो 500 करोड़ रुपये बन गया जिसने नहीं बेचा आज भी कॉइन, क्योंकि स्टेकिंग के अंदर ही हम उसको कॉइन को अपने रख सकते हैं, स्टेक कर सकते हैं। तो आज अगर हम बात करें, अगर हम इससे कंपनी से खरीदना चाहते हैं तो हमें सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि 50% हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है सबसे छोटे वाले पैक पर। दूसरा प्रोग्राम, हमें स्टेकिंग मिल रही है। एक तो हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, दूसरा हमें स्टेकिंग मिल रही है। अगर हम इसको लेना चाहते हैं तो कम से कम $120 का खरीदा जा सकता है। $120 की अगर हम कीमत की बात करें तो 10,800 रुपये का ये कॉइन खरीदा जा सकता है। इसमें 50% ज़्यादा दे रहे हैं तो कितना हो गया? $60 का कॉइन और हो गया। टोटल की बात करें तो $180 का कॉइन जो है हमें यहाँ मिल जाता है। $180 कि अगर हम कीमत की बात करें तो लगभग 16,000 रुपये के आसपास का हमें ये कॉइन्स मिलता है। हम दे तो रहे हैं 10,800 रुपये और हमें माल मिल रहा है 16,000 रुपये के आसपास का। अगर हम डिवाइड करें इसको आज का जो रेट चल रहा है 90 सेंट का, तो हमारे पास कॉइन्स आ रहे हैं 204 कॉइन। हमें ये कब तक मिलेंगे?
730 दिन तक मिलेंगे। 204 कॉइन की हमारे कंपनी के साथ में पार्टनरशिप हो जाएगी कि हमें 204 कॉइन आज के प्राइस पर बुक हो जाए और हमें ये मिलने चाहिए पूरे। तो हमारे पास रोज़ाना जो आया करेगा वो 0.3 कॉइन पर डे आया करेगा रोज़ाना, इतना हिस्सा जो है हमारे पास रोज़ाना आया करेगा। 204 कॉइन को जब भी 50 कॉइन हो जाएं, अगर हम बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं, लेकिन अगर हमने इसको नहीं बेचा, छोड़ दिया और 204 कॉइन हमारे पास हैं, इसका प्राइस लोग बता रहे हैं कि 2 साल में $100 के पार हो जाएगा। अगर $10 भी चला गया, सिर्फ $10, तो $2,040 हो गया, जिसकी इंडियन रुपीज़ में लगभग लगभग 2 लाख रुपए के आसपास हमारा ये निकल कर आ सकता है, जो 10,800 रुपए के हमने चक्कर में लगाया था। यहाँ कंपनी कोई भी ऐसा वादा नहीं कर रही कि आप हमें पैसे दीजिए, हम आपके पैसे डबल करेंगे या 2 लाख रुपए देंगे। कॉइन दे दिए उसने आपको, कॉइन बेचने कब है, कैसे बेचने, कहाँ बेचने, वो आपको दे दिया गया कि वो आप जाने। उसने रास्ते दिखा दिए और हमें 8 एक्सचेंजर दे दिए कि 8 एक्सचेंजर में जहाँ भी आपको लगे कि प्राइस ज़्यादा बढ़ा हुआ है वहाँ जाके अपने कॉइन को बेच सकते हैं। विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड के अंदर अंदर हम बटन दबाते हैं, हमारा कॉइन बिक जाता है और उसके अंदर हमारे पैसे शो कर रहे होते हैं कि हाँ इतने रुपये के हमारे कॉइन बिक चुके हैं। तो ये समझ लीजिए वो चीज़ है कि 10,800 रुपये के 2 लाख रुपये यहाँ पर बन सकते हैं ईजिली। ये तो जब है जब $10 का प्राइस चला गया। आज से 1 साल पहले जिन लोगों ने लिए थे ये 10,800 रुपये के, आज अगर मैं बात करूँ तो मुझे 2401 कॉइन मिले थे। 2401 कॉइन जो है आज की कीमत में लगाऊँ तो 2 लाख रुपये के हो चुके हैं। मैंने भी 9,600 रुपये के लिए थे। ये 10,800 का जो पैकेज है उस टाइम पे 9,600 रुपये का लगा करता था। 9,600 में 2401 कॉइन मिले थे हमें। 2401 कॉइन को अगर आज हम गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, तो लगभग 2 लाख रुपये का तो आज के प्राइस पर है। अगर $10 का चला गया तो यही कितना हो सकता है, 20 लाख रुपए हो सकता है जो 2 लाख रुपए हुआ। और अगर 100 चला गया तो 2 करोड़ रुपए भी हो सकता है। क्या पॉसिबल है ऐसा? बिल्कुल पॉसिबल है, 1-2 साल के अंदर अंदर, और लोगों का क्रिप्टो करेंसीज के अंदर हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, लेकिन हुआ सिर्फ उसका, ये जिसने पेशेंट रखा इसके अंदर सब्र लेकर डालकर छोड़ दिया जाए और कुछ टाइम के बाद में देखा जाए तो एक अच्छा प्राइस जो है निकाला जा सकता है इसके अंदर। अब इसके अंदर जो पैकेज हैं, $930 का पैकेज है, इसके अंदर अभी हमें 210% मिल रहा है। 210% अगर हम 210 की बात करें तो 2153 कॉइन मिल रहे हैं हमें अभी आज। 2153 को अगर हम मल्टीप्लाई करें कि आज से कितने कॉइन्स, कितने रुपए के कॉइन्स हैं ये, 2153 मल्टीप्लाई 81 रुपये, 174,000 रुपये के कॉइन जो है हमें 173,000 रुपये के कॉइन्स हैं। हमने कितने रुपये दिया, 930, 83,700 रुपया, 83,700 रुपये में हमने जो है ये दिए हमने, और हमें 174,393 रुपये के कॉइन्स मिले 2 साल में। 2153 कॉइन हमारे अगर हम 2 साल के बाद में बेचें, सिर्फ 2 साल के बाद में, और अगर हम सोच लें कि $10 का जब हो जाएगा, हो सकता है 2 साल में नहीं हो सकता है 3 साल लग जाएं, अगर 4 साल भी लग जाएं, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है, ये तो डिसेंट्रलाइज करेंसीज है, जितनी पड़ी रहेगी आपके पास मुड़ को छोड़ जाएगी, ये तो आपके पास आ चुकी होगी, 2 साल में पूरी हो चुकी होगी। अब 2 के बाद में आप 3 साल तक भी रोक सकते हैं, 4 साल भी हो सकते हैं। अगर हमने ये सोच लिया कि हम $10 में बेचेंगे तो $21,530 का माल हो गया, 21,530 मल्टीप्लाई 90 तो 19,37,700 रुपया हमारा ये हो सकता है, जो 83,700 रुपये गए हमारे, ये 19,37,700 रुपये 2 साल में, 3 साल में मैक्सिमम बता रहा हूँ। वैसे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहता हूँ आपको जो है इसका प्राइस जो है 2 साल के अंदर अंदर 10 से ऊपर ही होगा, 50 के आसपास होगा। मैं तो ये मान ही रहा कि एक्सपर्ट जो बता रहे हैं $100, मैं तो ये कह रहा हूँ कि 50 के आसपास जो है, 50 तो कंपनी ने लिख कर दिया है, आगे क्या होगा इसी रफ्तार से चला अगर तो $50 पहुंच सकता है। हम 10 का लगा के चल रहे हैं क्योंकि लोगों को जो है थोड़ा सा हजम नहीं होगा, वो सोचे तो हम कम लगा के चल रहे हैं, और हमने अभी 2 साल भी नहीं लगाया, 4 साल में भी हो जाए, अगर 83,000 रुपये का 4 साल बाद 19 लाख रुपये मिल जाए तो भी हमारे लिए बुरा नहीं, 4 साल हो सकता है कि मेरी पॉकेट जो है अलाउ नहीं करती हो बड़ा पैकेज लगाने के लिए, है ना।
मेरा दिल तो चाह रहा है $1,00,000 की आईडी लगाऊं, लेकिन मेरी पॉकेट अलाउ करे कि सिर्फ $30 के, यही है मेरे पास ₹2,700। तो अगर ऐसा है तो हम इसके अंदर मेहनत करके काम करके थोड़ा सा काम कर लिया जाए। हम ऑलरेडी फील्ड के अंदर काम करते आ रहे हैं, प्रमोशन करते हैं, प्रमोशन हम करते हैं हमेशा। जैसे सपोज करिए मुझे जो है, मैं बाइक लेकर आया, मुझे बहुत अच्छी लगी, या मेरा किसी फ्रेंड को बाइक चाहिए तो मैं उसको वही बाइक दिला लूँगा जो मैंने ली थी, या मैं लैपटॉप लेकर आया डेल का, मुझे अच्छा लगा, मैंने लैपटॉप दिलवा दिया डेल का एक, फिर मैंने दूसरों को दिलवा दिया डेल का लैपटॉप दो, अब मैंने 3 लैपटॉप बिकवा दिए अपने थ्रू। अब मैं डेल के पास जाता हूँ कि मैंने तेरे 3 लैपटॉप बिकवाए थे, मुझे थोड़ा सा कमीशन दे या मुझे चाय पिला दे, तो वो आपको चाय भी नहीं पिलाएगा, जबकि आपने अपने थ्रू 3 लैपटॉप बिकवाए। हर वो चीज़, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो मूवीज हो, जो चीज़ हमें फ़ायदा पहुंचाती है, जिससे हमें फेस बचता है, वो हम उसको प्रमोट जरूर करते हैं। तो हमें कोई नया काम नहीं करना, हमें लगे, हमें प्रॉफिट लगे, प्रॉफिट आ रहा है, अगर हम उसको